उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो भाव दीपोत्सव पालन कर एक विश्व रेकर्ड स्थापन कर आज दीपावली अयोध्या एक प्रकार उत्सव मुखर सृष्टि देशर कोण अनुकोण श्रद्धा मान छुट्टी आसरजू नदी निकट रही सेठे श्रद्धा मैंने बुड़ पकाउं देश विदेश अनेक भक्त मैंने आयोध्या को आम सहित अयोध्या किसी भक्त जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना से कि अनुभव कर प्रभुजी पहले तो आपको स्वागत है अर्गस न्यूज को। आज का जो ये प्रोग्राम है अयोध्या रे दिवाली के दिन में क्या आपका अनुभव है? जय जगन्नाथ। विभीषण जो है जगन्नाथ जी को सेवा करते हैं, वही जगन्नाथ जी इधर प्रकट हुए रामचंद्र के रूप में, और ये सरयू नदी दिख रहे ना, ये भगवान के आंखों के आंसू से उत्पन्न हुआ है, यानी भगवान की करुणा है। जो इस सरयू में स्नान करता है, समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद साक्षात भगवान रामचंद्र का धाम साकेत पहुंच जाएगा, ये इसका विशेषता है। तो वही रामचंद्र को हम अपने घर में आज के दिन अनुभव कर सकते हैं। पूरा विश्व भर में दिवाली मनाया जाता है, क्यों? अयोध्या की वजह से। बड़ा भाग्य है कि आज आप सरयू का दर्शन कर रहे हो, अयोध्या का दर्शन कर रहे हो। तो अयोध्या का दर्शन, सरयू का दर्शन, मान लीजिए साक्षात रामचंद्र का दर्शन है। अगर आप रोज दिवाली मनाना चाहते हो, पटाखे से दिवाली नहीं होती, पटाखे फूटने से, मिठाई बांटने से दिवाली नहीं होती है, राम का नाम लेने से दिवाली होती है। रामचंद्र का नाम उच्चारण करो, राम साक्षात आपके जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं और हमारे हृदय में सारे जितने भी कलमश दूर करते हैं और जगन्नाथ जी के पास लेके जाते हैं। और जगन्नाथ जी वही राम है, वही जगन्नाथ वही राम है, राम वही जगन्नाथ, राम है वही राम, जगन्नाथ जी है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हनुमान जी जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं। हम सब उड़िया वासियों को गर्व है कि राम का दूत हनुमान आज भी जगन्नाथ जी का सेवा में स्थित हैं, ताकि जगन्नाथ जी को शांति मिले, ताकि जगह समुद्र का जो ध्वनि है जगन्नाथ मंदिर में ना आए, ऐसी सेवा जो हनुमान कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी ने हनुमान को बेड़ी बांध के रखा है, बेड़ी हनुमान जी त्रिपुरी में प्राप्त होते हैं। ओरिया जन्म लेने के बाद राम का भक्ति नहीं किया, हनुमान का भक्ति नहीं किया, क्या फायदा? हरे कृष्ण। जो भी भाव आपण शुणुते अयोध्यार जो महिमा अच्छी, सरायूर जो महिमा अच्छी, से भाई भाव वर्णना कराला, तेज आज जो कार्यक्रम रही कौन रिषय प्रभुजी कहे। प्रभुजी आज जो कार्यक्रम है स्पेशली अयोध्या में श्याम को, ये कैसे मनाया जाएगा? तो आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर रावण को मारने के बाद पूरा का पूरा सीता माता के साथ, पूरे राम दरबार के साथ राम जी अयोध्या में पधारे थे। तो यहाँ पर क्या है कि आज घर घर में दीप मनाया जाएगा, दीप लगभग हजारों हजारों दीपक एक एक घर में। और सबसे बड़ा उत्सव ये है कि राम जी के आने के साथ साथ यहाँ पर भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, इतना भव्य सुंदर मंदिर, जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है। तो आज के दिन हर घर घर में भगवान के लोग भोग लगाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान की कृपा के लिए लोगों को प्रसाद बांटेंगे। अयोध्या वासी जाने जाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, तो राम जी के नाम पर आज लोग क्या करेंगे, अधिक अधिक सेवा करेंगे। आज लोग हजारों हजार लोग क्या करेंगे, घर पर रामायण कथा करेंगे, रामचरितमानस की कथा करेंगे और रात भर जागरण करते हैं कई कई संत लोग, और कई तो आज लोग व्रत रख करके भगवान की पूजा करते हैं, कई तरह की सेवा करते हैं। आज बहुत शुभ दिन है आज का दिन। यहाँ पे जो भक्त लोग डुबकी लगाते हैं, इसका महिमा क्या है? यहाँ का महिमा यह है कि बताया गया है शास्त्र में, जो सरयू जी, जैसे प्रभु जी बताए सरयू जी भगवान के आंसू से प्रकट हुई हैं, और कई शास्त्रों में बताया गया है सरयू जी गंगा जी से कई गुना पावरफुल है, और आज के दिन खुद गंगा जी और अनेक तीर्थ आकर के सरयू जी में स्नान करते हैं, अपने आप को पुण्य करते हैं। तो आप लोग मानसिक दर्शन करके सरयू जी में स्नान कर सकते। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।